आज है वेनसडे, मतलब गोप्रो लेने के ठीक एक दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ एक्चुअली। तो आज मैं एक जगह पे जाने वाली हूँ, तो बहुत कुछ एक्चुअली लेना है मुझे, बहुत नहीं छोटा 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 कुछ कुछ मुझे लेना है। नित्या के लिए भी मुझे कुछ गिफ्ट लेना है शादी के लिए, मैंने अभी तक नहीं लिया है। ऑलरेडी मेरे माइंड में कुछ है, लेकिन स्टिल आई वॉन्टेड टू सी कि मॉल पर क्या मिलता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ, एंड मैं आज GoPro भी लेके जाऊंगी। पता नहीं कैसा रहेगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ GoPro। एंड ये तो अभी एक्चुअली ऑफिस का काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम हो जाए देन उसके बाद 6 बजे अराउंड चली जाऊंगी। यहाँ पे ऐसा नाइट लाइफ का कोई डर नहीं है, मतलब यहाँ पे दुकान खुला रहता है अनलाइक अंडमान, तो इसलिए 6 बजे भी हमें कुछ लगता नहीं यहाँ पे। लेकिन अंडमान में तो 6 बजे मतलब रात, उस दिन आपका ख़त्म। ठीक है, तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है, अब मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ। अच्छा, मैं भी जाऊँगी नहाने एक्चुअली, तो नहा लेती हूँ उसके बाद मैं आके आपसे बातें करती हूँ। बाय। ये GoPro से पहला वीडियो मैं ले रही हूँ, जो कि मैं ब्लॉग में मे भी डाल दूँगी, अभी तक श्योर नहीं है। ये स्टैंडर्ड मोड है, ये सब जगह मैंने मेरे फ़ोन से तो आपको दिखाया था, लेकिन GoPro में कैसे दिखता है ये अभी आपको दिख रहा है। आ रहा है गाड़ी में, तो ये हूँ मैं भी जाऊँगी नहाने। एंड नहा के आने के बाद मुझे एग्जैक्टली 6 बजे जाना है कोई एक जगह पे, देखूँगी कि जा सकती हूँ या नहीं। और ऑब्वियसली जाने से मैं व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी, ज़रूर। मुझे नहीं पता इस फ़ोन पे मतलब कैमरे पे कैसा आ रहा है, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट जो भी होगा। मैंने ना ज़्यादा कपड़े नहीं लाए हैं, तो मैं वही पुराना ही कपड़े पहन रही हूँ। क्या हुआ? तो मैं ऊबर ली हूँ, ऊबर ऑटो, और उससे मैं जा रही हूँ फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, जो कि वेलाचेरी में है। एक्चुअली मेरा मेन मोटो यही था कि मुझे नित्या के शादी के लिए कुछ गिफ्ट देखना था। ऑलरेडी मेरे माइंड में एक गिफ्ट तो है, लेकिन मुझे मॉल पर भी देखना था, और अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं वहीं से उसको देने वाली थी। और मैं ऐसा कुछ गिफ्ट देती हूँ जो कि काम पे आना चाहिए, मतलब मुझे ना वो होम डेकोर्स मुझे पता है वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन मुझे यूज़फुल वाला चीज़ देना मुझे पसंद है पर्सनली। तो मॉल जाके मुझे ऐसा कुछ तो मिला नहीं, लेकिन मेरे फिर अपने लिए जो मेरा बेसिक चीज़ मुझे चाहिए था मैंने वो ले लिया था। तो देखिए मैं यहाँ पर मॉल पहुँच गई हूँ, यही है फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, और यहाँ पे दो अलग स्टोर है। तो जैसे कि मैंने बोला नित्य की शादी के लिए तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट ज़ारा शॉपिंग किया है मेरे लाइफ का, और मैंने मेरे लिए नहीं मेरे लाइफ के दो इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए भी किया है। कौन है दो इम्पॉर्टेंट लोग, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना अगर पता है तो। तो देखो ये मैंने जीन्स लिया था, और ये टॉप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, एंड मैंने ये वाला टॉप लिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा बॉडी हगिंग था, लेकिन टॉप अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेना चाहिए था, बहुत बढ़िया एक टॉप था। और मैं यहाँ पे जब बिल कर रही थी तब मैंने देखा यहाँ पे बहुत अच्छी शूज़ भी है, जो कि अगेन मैंने लिया नहीं। तो देखो मेरा शॉपिंग तो हो गया, बस जीन्स ही लिया, एंड मैं इस स्टोर से निकल गई, देन मैं दूसरे वाला स्टोर पर गई। ये है चेन्नई का फिनिक्स मार्केट सिटी, और यहाँ पर भी कुछ कुछ स्टोर है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा के घर। पूजा अंडमान की एक और एक यूट्यूबर है, एंड आई नो हर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। मैं ये वाला मॉल के अंदर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कुछ बोल रहे थे स्कैन कराना ये कराना, मुझे बहुत झंझट लगा, तो मैं दूसरे वाले पे चली गई। अभी उसके घर में जाने वाली हूँ, उसने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया है। मैं एक्चुअली उसको 2 दिन पहले मिली थी, सो उस वक्त व्लॉग नहीं हुआ, तो आज जाने वाली हूँ, देखती हूँ अगर याद रहा तो ज़रूर व्लॉग करूँगी। मुझे लगा मैं कुछ खरीदूँगी नहीं, इतना कुछ खरीद लिया ना। ये देखो ये वही वाला उसी का बाहर साइड है, मतलब मैं अंदर चली आई थी, क्या बोल रही थी मैं, हाँ भूल जाओ, मैं वो और एक बिल्डिंग है ना उसके अंदर मैं आ गई, और यहाँ पे
ज़्यादा शॉप तो है लेकिन लोग नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं आते। मैं दूसरा और एक एंट्री से एंट्री ले ली शॉपर स्टॉप का एंट्री से, और मैं शॉपर स्टॉप से एक मैंने टॉप लिया, एक मैंने जीन्स लिया, और किसी के लिए मैंने गिफ्ट लिया। वो किसी कौन है वो मैं बातें बताऊँगी, अभी नहीं बोलूँगी। आपको ऐसा लग रहा होगा अचानक से बाइक में कैसे बैठ गई हूँ, गई थी से ऑटो में, तो यहाँ पे मैंने ऊबर का जो बाइक सर्विस है वो मैंने ले लिया। ये मुझे काफ़ी मस्त लगा क्योंकि आप जल्दी भी पहुँच जाते हो और अफोर्डेबल भी होता है। बैंगलोर में भी ठीक ऐसा ही एक बाइक सर्विस था, मैं अभी नाम भूल गई हूँ, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेवल करती थी, बढ़िया लगता है मुझे। तो मैं आ गई हूँ पूजा के घर, और पूजा अभी खाना निकाल रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसने क्या क्या बनाया। इतना कुछ बनाया ना, खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है पता है। वो खाना बना रही है और भाई से बात कर रही है। देखो मैं पूजा के घर आई और पूजा क्या क्या बनाई है मैं बताती हूँ। ये है चिकन, ये है बैगन फ्राई, अंडा फ्राई, पनीर फ्राई, पुलाव, और ये पूजा बहुत ही बेकार हालत में है। कोई बेकार हालत है नहीं है, थैंक यू पूजा। पूजा ने मुझे कितना सारा गिफ्ट दिया यहाँ पे, देखो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा शॉपिंग है सारा, और ये मुझे मेरे लिए सैलड बना रही है, थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। आपको दिखाई नहीं, आप मेरे को क्या दी, आप दिखाई थी? नहीं नहीं दिखाई। अच्छा ऑन है क्या? गणेश भगवान दी और अंडमान से इतना सारा मिठाई लेके आके दी कि अभी हम खा गई। ये सारा मसाला है, ये सब अंडमान का ही बना हुआ है। चलो खाते, भी बहुत भूख लगा है। तो बस मैंने यही जीन्स और यही टॉप्स आज मैंने लिया है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है पर्सनली सच बोलूँ तो, और अपकमिंग व्लॉग्स में दिख जाएंगे आपको। अभी मैं बताती हूँ कि मुझे आज गिफ्ट में क्या क्या मिला है। एक जो गिफ्ट मिला है दिस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट, वो है ये है हमारे श्री शाही बाबा एंड पूजा और उनके भाई ने मिलकर, एक्चुअली जो चॉइस है ये मतलब अनुज मतलब भाई का है, तो ये देखो उन्होंने एक पेंडेंट मुझे गिफ्ट किया है, कितना प्यारा है ना। एंड गेस व्हाट, आज है थर्सडे, मतलब वेडनेसडे को उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे, थर्सडे 12 बजे, और मैंने पहन लिया, हमेशा दिल के पास रहेगा, थैंक यू सो मच सो मच। और साथ में उसने ये साड़ी दिया, ये मेरे लिए है, उसने बोला कि दीदी आप एक बार पहनना उसके बाद आंटी को दे देना। मैं इतना पहनती तो हूँ नहीं लेकिन मैं डालूँगी एक बार। और एक साड़ी मम्मी के लिए दिया है, ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था उसको, लेकिन कोई प्यार से देने से यू कैनॉट से नो ऑल्सो, सो थैंक यू सो मच पूजा कि उसने घर पे बुलाया, खाना खिलाया एंड इतने सारे गिफ्ट दिया, थैंक यू सो वेरी मच। तो इसी को शायद कहते हैं रिश्ता है ना, मतलब कुछ कुछ रिश्ता होता है जो कि ब्लड से भी आगे जाता है, मतलब एंड यू हैव टू मेंटेन देम एक्चुअली। सो मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि उसने मुझे गिफ्ट दिया या फिर मैंने उसको गिफ्ट दिया इसलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोगों का कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा लगा आज जाके खाना वाना खा के, एकदम मज़ा लग गया। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे पता नहीं एंड करूँगी या नहीं, क्योंकि मेरा ब्लॉग कहाँ से क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं कब एडिट कर रही हूँ कब शुरू कर रही हूँ मुझे नहीं पता। एंड कुछ ही दिन में नित्या का शादी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को और साथ में मुझे भी। कल नहीं परसों से घर में लोग आना शुरू हो जाएंगे एंड पूरा माहौल बन जाएगा शादी वाला माहौल, ठीक है। तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, उसके पहले बेड के ऊपर भी मुझे समेटना है। सो अगर मैं एंड करूँ यहीं पे तो यहीं पे गुड नाइट।